देखिए बच्चों, पार्ट 15 कौओं की गिनती अपन ये लेसन पढ़ लिए हैं। अब देखिए नोट्स, प्रीवियस क्लास में लेसन पढ़ लिए हैं अपन कौओं की गिनती, पार्ट 15 लेसन 15। देखिए यहाँ शब्दार्थ, फर्स्ट यूनिट में देखिए शब्दार्थ, प्रसिद्ध, फेमस, दरबार, रायपुर, हसोर, जोक्युलर, सवाल, क्वेश्चन, तुरंत, एडवांस, हाजिर जवाब, रेडी रिटेड, चकित, सरप्राइज, मौन, काम, साबित होना, क्रूड, दंड, पनिशमेंट, शक, डाउट, कीर्ति, वैल्यूएबल, सम्मान करना, टू रेस्पेक्ट, सम्मान करना, टू रेस्पेक्ट। देखिए यहाँ पर ये मीनिंग्स है, यहाँ मीनिंग्स क्या करना, फर्स्ट मिनट में मीनिंग्स कितना चाह रही है, क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सेकंड मिनट में देखिए। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण देवराय कौन थे, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री कृष्ण देवराय कौन थे, आंसर देखिए, श्री कृष्ण देवराय दक्षिण भारत के राजा थे, वे प्रसिद्ध कवि थे, वे कवि भी थे और राजा भी थे, कौन थे, कवि, पोएट, कवि यानी पोएट भी थे, राजा थे, दक्षिण भारत के राजा यानी किंग भी थे। श्री कृष्ण देवराय कौन थे, श्री कृष्ण देवराय दक्षिण भारत के राजा थे, वे प्रसिद्ध कवि भी थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दरबार में किनकी बातें सुनकर हंस पड़ते थे, देखिए दरबारी किनकी बातें सुनकर हंस पड़ते थे, आंसर देखिए, दरबारी तेनालीराम की बातें सुनकर हंस पड़ते थे। यहाँ केवल यहाँ एक तेनालीराम का नाम जब आपका क्वेश्चन प्रांसर चाहे हम क्वेश्चन में से ही लिख सकते हैं, केवल यहाँ तेनालीराम का होना चाहिए। देखिए दरबारी, दरबारी किनकी जगह पर तेनालीराम का होना चाहिए, दरबार पर पूरा अपन क्वेश्चन में से ही आंसर लिख सकते हैं। देखिए दरबारी किनकी बातें सुनकर हंस पड़ते हैं, दरबारी तेनालीराम की बातें सुनकर हंस पड़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तेनालीराम किस नाम से मशहूर थे, मशहूर यानी फेमस, मशहूर यानी फेमस थे, किस नाम से, नाम यानी नेम से मशहूर थे तेनालीराम, किस नाम से मशहूर थे, तेनालीराम विकट कवि, विकट कवि के नाम से मशहूर थे। यहाँ भी देखिए पूरा आंसर क्या है, क्वेश्चन में ही है, देखिए तेनालीराम, तेनालीराम किसकी प्लेस में यहाँ विकट कवि लगाना चाहिए, यहाँ किसकी प्लेस में यहाँ कौन क्या लगाना चाहिए, विकट कवि के नाम से जानते थे, मशहूर थे, मशहूर यानी फेमस, तेनालीराम विकट कवि के नाम से मशहूर थे। फोर्थ क्वेश्चन, श्री कृष्ण देवराय दरबारियों से कौन सा सवाल किया, श्री कृष्ण देवराय दरबारियों से कौन सा सवाल किया, देखिए आंसर, श्री कृष्ण देवराय दरबारियों से सवाल किया, क्या सवाल किया, देखिए हमारे नगर में कितने कौवे हैं, क्या सवाल किया है, सवाल है क्वेश्चन, दरबारियों से क्या सवाल किया तेनालीराम, हमारे नगर में कितने कौवे, कौवे यानी क्राउड, गिन सकते क्या, यानी कौवे कितने हैं, ये गिनती यानी काउंट लगाने के लिए कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन, राजा ने तेनालीराम का सम्मान कैसे किया, कैसा किया, देखिए राजा ने एक कीमती, कीमती यानी वैल्यूएबल, कीमती यानी वैल्यूएबल मोतियों, मोती यानी पर्ल्स, मोती यानी पर्ल्स का हार, हार यानी लंबा वो हार रहता है ना, उसको हार कहते हैं, गले में पहनते हैं उसको, से तेनालीराम का सम्मान किया, उनको एक पुरस्कार यानी सम्मान किया, राजा ने एक कीमती मोतियों का हार से तेनालीराम
किया कि फर्स्ट बिट में मीनिंग सेकंड बिट क्वेश्चन आंसर करना चाहिए। देखिए थर्ड बिट हाँ या नहीं, ऐसा नो आर ट्रू और फॉल्स भी कह दे। देखिए हाँ या नहीं ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन, श्री कृष्ण देव राय उत्तर भारत के राजा थे। ये राम है क्या गलत? देखिए श्री कृष्ण देव राय उत्तर भारत के राजा थे नहीं, श्री कृष्ण देव राय दक्षिण भारत के राजा थे। ये उत्तर है ना, ये रॉन्ग आंसर है, इसलिए इसको नहीं बोलकर यहाँ राम बोलकर डालना चाहिए। ये देखिए श्री कृष्ण देव राय उत्तर भारत के राजा थे, राम या नहीं। सेकंड वन, तेनालीराम हसोड़ थे। हसोड़ यानी जोकिला, करेक्ट है, ये हाँ है। देखिए ये हाँ यानी यस। थर्ड वन, राजा ने तेनालीराम से तोतों के बारे में सवाल किया। राजा ने तोतों के बारे में सवाल किया नहीं, यानी राम आंसर किया। क्या है ये? राम आंसर है, इसको क्या करना है? राजा ने तेनालीराम से कौओं के बारे में सवाल किया, उसके बारे में कौओं के बारे में सवाल किया, इसलिए ये राम आंसर है। फोर्थ वन, उस नगर में कौओं की 3000 से थे। नगर में कितने थे? उस नगर में कौवे 3000 थे। ये राम आंसर है, कितने थे? 2000, यानी 2000 यानी इसमें 2000 के दिए, यानी क्या है? राम आंसर है। देखिए उस नगर में कौवे 2000 थे, यहाँ 3 दिया यानी 3, ये राम आंसर है, इसलिए नहीं डालना चाहिए। फिफ्थ वन, देखिए राजा ने तेनालीराम को दंड दिया। दंड दिया क्या? नहीं, राम आंसर ये, उसको मोतियों को हाथ से सम्मान किया है ना। फोर्थ फिफ्थ लास्ट आंसर देखिए, राजा ने तेनालीराम को दंड दिया क्या? नहीं, ये राम आंसर है, राजा ने तेनालीराम को मोतियों को हाथ से सम्मान किया, ये राम आंसर है। देखिए इसका नौ ये थर्ड बिट फेल में ये भी लिखना चाहिए। नेक्स्ट बिट देखिए, फोर्थ बिट विलोम शब्द अपोजिट वर्ड्स। देखिए विलोम शब्द और उल्टे शब्द भी कहते हैं, अपोजिट वर्ड्स को उल्टे शब्द और विलोम शब्द कहते हैं। फर्स्ट देखिए एक, एक से ज्यादा है तो उसको क्या कहते हैं? अनेक। एक से ज्यादा है तो उसको अनेक। शाम सुबह, शाम यानी रात, सुबह यानी मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग। उत्तर, उत्तर यानी आंसर और प्रश्न यानी क्वेश्चन, और ऐसा भी प्रश्न और उत्तर भी ऐसा भी लिख सकते हैं। नगर गांव, नगर यानी सिटी, गांव यानी विलेज। नगर गांव या गांव और नगर ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए फिफ्थ बिट, वाक्य शुद्ध करो। करेक्ट आंसर, ये आंसर इधर के रॉन्ग है क्वेश्चन, इसको अपन करेक्ट लिखना चाहिए। ये जो वर्ड्स है ना रॉन्ग है, इसको अपन करेक्ट लिखना चाहिए। देखिए विद्यार्थी, पढ़ने में तो करेक्ट है लेकिन लिखने में ये रॉन्ग है, लिखने में ये रॉन्ग है। देखिए ऐसा विद्यार्थी, ऐसा ये करेक्ट है, ये करेक्ट। देखिए दरबारी, री को ई की मात्रा इधर से आया लेकिन ई की मात्रा ये इधर से आना चाहिए, राइट आंसर। दरबारी, दरबारी ई की मात्रा और ई की मात्रा में यहाँ डिफरेंस देखिए, डिफरेंस देखकर ये रॉन्ग आंसर है और ये करेक्ट आंसर है। कृष्ण, कृष्ण ये पढ़ने पर करेक्ट है लेकिन लिखने से ये राइट होता है। देखिए काक गुरु की मात्रा वाला गुरु श और ना मना लिखने पर ये कृष्ण होता है। देखिए ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है। आश्चर्य, आश्चर्य ये नाम है, आश्चर्य ये करेक्ट आंसर है। देखिए ये राम है, इसको अपन करेक्ट आंसर में लिखे। देखिए फर्स्ट बिट में, फर्स्ट बिट में मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स और देखिए